दोस्तों कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, तो अच्छा ही होना चाहिए। तो हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहिए। तो चलिए आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ इस क्रेन का केबिन का अंदर का सिस्टम कैसे काम करता है। तो उससे पहले दोस्तों, आप हम लोग हमारे ड्राइविंग ट्रिक चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए ताकि नया वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। तो आज दोस्तों मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, और टाइम क्या मतलब वीडियो भी अपलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था नेटवर्क का। इसके लिए मैंने दूसरे जगह आके फिर अपलोड किया हूं क्योंकि यहां पे नेटवर्क है इसके लिए। तो मैं 2-3 दिन से वीडियो भाई अपलोड नहीं कर रहा था। तो चलिए आज आप लोग को बने रहिएगा हमारे ड्राइविंग ट्रिक चैनल पर, तो आप लोग को दिखाता हूँ आज केबिन में सिस्टम सारे कैसे काम करते हैं। तो बने रहिए आप लोग हमारे चैनल पे। और देखिए पीछे का ये बूम अप करने के लिए काउंटर बेड एक्स्ट्रा लोड दिया जाता है, वो चढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग पिछले वीडियो में नहीं देखे होंगे काउंटर बेड कैसे फिट करना है, तो हमारे ड्राइविंग ट्रिक चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं। ये देखिए बूम अप होने के बाद कैसा दिख रहा था, वो वाली वीडियो है और काफ़ी लंबा है। इस पूरे बिल्डिंग भी इससे छोटे छोटे दिख रहे हैं जितने फ्लैट हैं यहाँ पे, क्योंकि रेडीमेड ऑलरेडी प्लांट से बना हुआ फ्लैट आता है और उठा कर उसको एक दूसरे के ऊपर सजा के रख सकते हैं। जैसे ताश का पत्ती आप लोग सजा के रखते हैं, देखते हैं ताश का जो पत्ती सजा देते हैं सब घर जैसा, वैसे इसको भी सजा देना है। तो जैसे हवा आता है तो ताश का पत्ती बिखर जाता है, उसी तरह ये भी बिखर जाएगा जब भूकंप आएगा या सुनामी आए तो, समझे, क्योंकि ये समुंदर किनारे ही बन रहा है और वो समुंदर कहाँ दिख रहा है वो लास्ट तक मैं आप वीडियो में बने रहिएगा तो मैं दिखाऊंगा। मैं समुंदर पे जाके बीच के ऊपर वीडियो में थोड़ा देर का बना के डालूंगा, ज़्यादा नहीं क्योंकि लंबा हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ केबिन के अंदर सारा सिस्टम, डिस्प्ले, बटन और लीवर कैसे काम करता है। तो आज मैं वीडियो में वही चीज़ लाने वाला था, तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। और चलिए मैं लेके चलता हूँ, क्रेन के ऊपर मैं चल रहा हूँ और केबिन का मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। ऑपरेटर देखिए कैसे उसको ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं अब लुकिंग काफ़ी अच्छा आ रहा है, और इसको मोबाइल के कैमरे में कैद करना काफ़ी मुश्किल है भाई, इसको नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कैमरा चाहिए बड़ा वाला। देख सकते हैं अगर ऊपर रिकॉर्ड करेंगे तो नीचे चला जाएगा, नीचे करेंगे तो ऊपर, और पीछे काफ़ी जाएंगे तो ये बिल्डिंग से ढक जाएगा। तो चलिए अब वीडियो का ज़्यादा लंबा ना करते हुए आप लोग को दिखाने चलता हूँ केबिन के अंदर का सिस्टम डिस्प्ले वाली। तो देख सकते हैं भाई ऑपरेटर है और यहाँ पे उसका सिस्टम सब चेक कर रहे हैं क्योंकि बूम ऑफ हो रहा है इसके लिए, ठीक है। तो मैंने ये केबिन का वीडियो काफ़ी पहले ही बनाया था लेकिन टाइम ना मिलने के और नेटवर्क ना मिलने की वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। तो फाइनली मैं आज अपलोड कर देता हूँ केबिन का वीडियो, देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए इधर से थोड़ा क्या है, रोशनी आ रहा है तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए मैं दूसरे साइड से दिखाता हूँ। ये देखिए एक तरफ का ये है लीवर और एक तरफ का ये लीवर है, और कमेंट में आप लोग बताइए इसको लीवर को क्या बोलते हैं, पायलट लीवर बोलते हैं या हाइड्रा लीवर बोलते हैं। तो देखिए ये रहा, वहाँ पे सेलेक्ट करना होता है और वो भाई इंजीनियर है, वो सेलेक्ट करने से पहले कैंसिल करना होता है, कैंसिल करके फिर सेलेक्ट करना होता है। अलग अलग बेंच का अलग अलग नंबर है और ये टच डिस्प्ले दिया हुआ है और नीचे भी बटन दिया हुआ है, उससे होगा, देख रहे हैं वो भाई दबा रहा है फिर वो सिस्टम काम करेगा। तो हर सिस्टम का अलग अलग बटन और अलग अलग सिस्टम दिया है और इसका टच डिस्प्ले दिया है, और इसमें भाई मोबाइल क्रेन से ज़्यादा कैमरा है, कम से कम 5-6 कैमरा है, देख सकते हैं आप लोग, एक में 3 दिखा रहा है। डिस्प्ले में 3 कैमरा का तस्वीर आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए हमारा फराना वहाँ पे खड़ा है सामने, बूम जहाँ पे ऑफ होना है तो रास्ता बंद करना था, इसके लिए मैंने फराना को खड़ा कर दिया था सामने। देख सकते हैं लोग बूम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले सेटिंग जो है इसका कर रहे हैं, और सेटिंग हो जाएगी तो बूम अप होगा। तो देख रहे हैं भाई कैसे इसका, देखिए वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, वो बोला सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, तो भाई बता रहे हैं सिलेक्ट नहीं होगा जब तक
दूसरा कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए वही आए थे, पूरा क्रेन को असेंबल करवा के वही अब बूम अप करवा रहे हैं। तो देख सकते भाई रोल क्रेन, इसे काफ़ी दिमाग होना चाहिए भाई इसको चलाने के लिए, और पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। ऐसा बात नहीं है कि आप पढ़ा लिखा रहिएगा तब भी चलाइएगा, ऐसे भी चला सकते हैं बिना पढ़े लिखे, बस समझ में आना चाहिए आपको, तो समझने के लिए हेल्प भी करना पड़ता है, समझे। तो पढ़े लिखे नहीं भी है फिर भी आप चला सकते हैं इस क्रेन को, और अच्छा खासा पेमेंट कमा सकते हैं सैलरी आप। तो देख रहे हैं आप लोग भाई, तो मैं ज़्यादा वीडियो का लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वीडियो को छोटा छोटा वीडियो में ही जल्दी से ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो आप लोग भाई लीवर को कैसे काम करता है देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ये देखिए जो हल्का सा सिर्फ छू के रखे हैं तो उस पर लीवर काम कर रहा है। तो हमें कमेंट आया था, भाई बोल रहे थे लीवर इसका कैसे काम करता है, इसके लिए कमेंट किए थे भाई। लीवर दो ही रहता है और एक बिंच का सिस्टम और सेटिंग करना अलग अलग रहता है, तो जो बिंच का आप सेटिंग कीजिएगा वो चलेगा उसी से, ठीक है, नहीं सेटिंग कीजिएगा तो नहीं चलेगा, कोई बिंच नहीं चलेगा आपका। जितना इसमें बिंच है उतना सेटिंग है, उतना नंबर वाइज सेट करना है, लीवर वही काम करेगा। तो देख सकते हो भाई लीवर से काम कर रहे हैं, और यहाँ से आप कैंसिल मार सकते हैं, कैंसिल हो देखिए मार दिया हो भाई ने लीवर का काम करने के बाद। तो चलिए इस वीडियो में केबिन के अंदर का इतना ही, आप लोग और कमेंट कीजिए, और आप लोग को केबिन के अंदर का जानकारी चाहिए तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो देख सकते हैं ये देखिए काफ़ी लुकिंग आ रहा है भाई, हमारे ड्राइविंग ट्रिक चैनल पे ऑपरेटर भाई जुड़े रहे, उनको हमेशा यहाँ पे किसी चीज़ का दिक्कत हो तो टिप्स और ट्रिक मिल सकता है, और साथ ही साथ आप लोग को नौकरी भी, अगर नहीं गांव गए हैं छुट्टी गए हैं, अगर नहीं कोई बुला रहा है सेटिया तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको कंपनी की तरफ से कॉल करवाएंगे, और कमेंट में अपना नंबर डालिए कंपनी की तरफ से कॉल जाएगा। तो देखिए अभी फ़िलहाल ये फराना खाली है, जो वहीं को चलाना है तो आ सकते हैं। तो देखिए मैं यही बोल रहा था, यहीं पे फ्लैट जो है फिटिंग हो रही थी, ये देखिए मैं बीच पे आया हूँ, थोड़ा आगे चलने के बाद 100-200 मीटर के बाद ये नदी है, देख सकते हैं। तो जिन भाई को इस फ्लैट में रहना है उनको बड़ी सी नदी और बीच का मज़ा मिल सकता है। देखिए मैं आया हुआ था यहाँ घूमने, क्योंकि आज काम नहीं था इसके लिए। तो देख सकते हैं भाई ये देखिए, ये देखिए रेती है, और ये देखिए क्या चमक रहा है, ठीक है। अभी लहर काफ़ी छोटा चल रहा है, पानी कम होगा आगे दौड़ के, ये हवा चलता हो ज़्यादा तब चलता होगा, नदी बड़ी लहर। तो देख सकते हैं इसमें दो नाव चल रहे हैं अंदर में, देखिए वो डिब्बे जैसा दिख रहा है, वो शायद किसी ने जाल डाला है। तो चलिए भाई, जो भाई मुंबई आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, क्रेन लाइन में आना है तो आ सकते हैं, क्रेन चलाना तो चला सकते हैं, फिलहाल फराना एक खाली है। ये देखिए ये रहे हमारे उस्ताद जो मिस्त्री हैं, देखिए ये पूरा एक लहर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है बड़ी वाली, चाहते हैं नहाना चाहते हैं शायद, देख रहे हैं आगे तक जा रहे हैं, आगे लहर आ रही है, एक लहर बड़ी है एक लहर क्या छोटी है भाई, जितने आगे जा रहे हैं उतना ही लहर पीछे जा रहा है, आगे लहर नहीं आ रहा है, ऐसे कि वहाँ भी देख सकते हैं वीडियो में यहाँ तक लहर आ रहा था, और ये भाई जैसे अंदर घुसा लहर छोटा आना चालू हो गया, आ ही नहीं रहा इधर। तो चलिए भाई लोग वीडियो को मैं करता हूँ समाप्त, इस वीडियो में यहाँ तक आ रहा था पानी, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ड्राइवर ट्रिक को। तो मैं वीडियो कब करूँगा बंद, क्योंकि वीडियो हो चुका है काफ़ी लंबा, और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कीजिए आप लोग, और जानकारी मिलेगा कागज है, और वही हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और फिर मिलूंगा आपको नए वीडियो में, नए टिप और नए टिप्स के साथ, ये आगे बने रहने के लिए वीडियो में लास्ट तक, धन्यवाद। और जो भाई सब्सक्राइब न किए हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं फटाफट सब्सक्राइब कर लें, नए नए टिप्स मिलेंगे। तो चलिए अब नए वीडियो में मिलेंगे आपको फिर से।